आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भाई साहब, युद्ध सामने था और कौरवों और पांडवों में समर्थन जुटाने की होड़ लगी थी। कौरवों को सत्ता में होने का फायदा मिला और कुछ ही महीनों में दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। एक अक्षौहिणी का मतलब होता है 21,870 रथ, इतने ही हाथी, 65,000 से ज्यादा घोड़े और 1,00,000 से ज्यादा सैनिक। मैं कौरवों और पांडवों की उस होड़ का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं। मैंने पांडवों की चिंता देखी है। वो कृष्ण के साथ बैठकर शतरंज की मोहरें बिछाने में लगे थे। पूरा जोर लगाकर भी वो सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना ही जुटा पाए थे, पर उन्हें यदि किसी पर भरोसा था तो वो थे वासुदेव कृष्ण। नहीं कृष्ण, युद्ध में किसी का पक्ष लेना या न लेना मेरा स्वयं का निर्णय है। ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं पांडवों के पक्ष में लड़ूंगा। दाऊ दाऊ, आप बात बात पर ऐसे उग्र क्यों हो जाते हैं? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप पांडवों का पक्ष लीजिए। भावनाएं बिना शब्दों की भी पढ़ी जा सकती हैं कृष्ण। मुझसे ये छिपा नहीं है कि तुम कैसे पांडवों के साथ बैठकर दिन रात कौरवों को पराजित करने की रणनीति बनाने में लगे हो। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए दोनों एक समान है। मैं केवल धर्म के पक्ष में हूँ और सदा धर्म के ही पक्ष में रहूंगा। असत्य है ये। मेरे लिए ये सोचना भी पाप है भैया कि श्री कृष्ण को हमारी चिंता नहीं है। तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो अर्जुन? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमारे साथ मिलकर युद्ध करना चाहिए। मैं इतना ही जानता हूँ भीम कि संपूर्ण आर्यावर्त में अकेले कृष्ण ही है जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े भैया? वासुदेव, केशव, बलदाऊ, आप लोग बिना किसी सूचना के? मैंने सुना कि दुर्योधन ने महाराज द्रुपद का संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो बस भागता हुआ चला आया। ये संधि प्रस्ताव भेजना ही मूर्खता थी वासुदेव। क्या आवश्यकता थी इसकी? किसे नहीं पता कि दुर्योधन केवल युद्ध चाहता है। शांत भ्राता भीम, शांत। क्रोध और भय में युद्ध के निर्णय नहीं लिए जाते। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया। उसका उत्तर वही है जिसकी हमें आशा थी। उसने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ तो दूर, वो हमें सुई की नोक भर भी भूमि नहीं देगा। जैसे आप क्रोध में है वैसे दुर्योधन भी क्रोध में है भ्राता भीम, इसलिए उसके इस उत्तर से हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ वासुदेव। बस कीजिए भैया बस। संधि और शांति की बातें सुन सुनकर मेरे कान थक गए। इतना उग्र होने की आवश्यकता नहीं है भीम। जो कार्य शांति से हो सकता है वो युद्ध से कभी नहीं हो सकता। ये सब मुझे नहीं बलदाऊ, अपने प्रिय दुर्योधन को समझाएं, क्योंकि अब ना तो मुझमें ऐसी बातें सुनने का धैर्य शेष है और ना ही मैं सुनना चाहता हूँ। भीम ठीक कह रहे हैं, अब मैं भी युद्ध ही चाहती हूँ केशव, केवल युद्ध। उन दुराचारियों का संहार चाहती हूँ मैं। अरे अरे अरे, तुम तो भीम से अधिक क्रोध में हो पांचाली। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे आपसे बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है वासुदेव? आपको अपने खुले केश क्यों दिखाने पड़ रहे हैं मुझे? क्यों याद दिलानी पड़ रही है अपनी प्रतिज्ञा? सुन लीजिए केशव, जब तक मैं दुशासन को भूमि पर गिरा हुआ नहीं देख लूंगी तब तक मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। धैर्य धरो पांचाली, मुझे सब कुछ स्मरण है, तुम्हारा अपमान भी और तुम्हारा प्रण भी, किंतु किंतु क्या? बोलिए बोलिए ना केशव, रुक क्यों गए आप? हमें अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे एक बार हस्तिनापुर जाना होगा। वासुदेव श्री कृष्ण की जय! वासुदेव श्री कृष्ण की जय!
ये तो शुभ संकेत है विदुर। ये दुर्योधन के द्वारिका जाकर कृष्ण से भेंट करने का ही परिणाम है। पर विदुर, ये दुर्योधन कहाँ है इस समय? मुझे सूचना मिल गई है पिताश्री। तो विलंब मत करो पुत्र, ऐसे समय में कृष्ण के यहाँ आने का अर्थ है कि वो तुमसे प्रसन्न है। जाओ और आगे बढ़कर उनका स्वागत करो पुत्र। मैंने उनके स्वागत का सारा प्रबंध कर दिया है। तो क्या तुम स्वयं उनके स्वागत के लिए नहीं जा रहे हो? इसकी क्या आवश्यकता है पिताश्री, वो मुझसे ही तो मिलने आ रहे हैं ना। देखो, पांडवों की ओर से श्री कृष्ण स्वयं युद्ध का निमंत्रण देने आए हैं। और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ जय है। पर मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तभी तो युवराज ने मार्ग में उनके स्वागत की ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। द्वारिकाधीश और संधि, वो तो अधर्मियों का सर्वनाश करते हैं, फिर संधि के लिए क्यों आएंगे वो? युवराज, हमारी सारी योजना धरी की धरी रह गई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? द्वारिकाधीश ने हमारी सुविधाओं का उपयोग ही नहीं किया। मार्ग में कहीं विश्राम तक नहीं किया उन्होंने, मार्ग में जलपान तक के लिए नहीं रुके वो। क्या मेरा ऐसा अपमान? पिताश्री, पिताश्री! क्या हुआ पुत्र, तुम इतने व्यग्र क्यों हो गए? कृष्ण को बंदी बनाना होगा पिताश्री, बलपूर्वक बंदी बनाना होगा उन्हें। दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ आभास भी है तुम्हें कि? मुझे आभास है पिताश्री, आभास है मुझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कृष्ण स्वतंत्र रहा तो पांडवों का ही पक्ष लेगा। नहीं दुर्योधन, नहीं, ये सोचना भी पाप है पुत्र। कृष्ण हमारे शुभ चिंतक हैं और इस समय वे दूत के रूप में आ रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि तुम उन्हें बंदी बना लेना चाहते हो? वो हमारे शुभ चिंतक नहीं है पिताश्री, वो हमारे शुभ चिंतक नहीं है, शत्रु है वो हमारा, हमारा अपमान करने आ रहा है वो यहां। तो ऐसा पांडवों के दूत बने कृष्ण सीधे दुर्योधन के भवन में पहुंचे, लेकिन कृष्ण को सामने पाकर दुर्योधन अचानक बदल गया। उसे लगा कि शायद स्वागत सत्कार से वो कृष्ण को वश में कर लेगा। उसने उन्हें भव्य सिंहासन पर बिठाया, लेकिन जब कृष्ण ने वो आसन ठुकरा दिया तो दुर्योधन ने उनसे पूछ ही लिया, वासुदेव, ईश्वर ने मेरे पिता को ना सही पर मुझे दो आंखें दी हैं। मैं तो देख ही सकता हूं कि आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप पांडवों को बचाना चाहते हैं? साफ साफ कह दीजिए ना कि आप पांडवों के मित्र हैं और मेरे शत्रु। आखिर ये झूठ का चोला क्यों ओढ़ रखा है आपने? मेरा सत्कार स्वीकार न करने के पीछे और क्या उद्देश्य है आपका? इस समय मैं पांडवों का दूत हूँ कौरव कुमार, और एक दूत अपना उद्देश्य पूरा होने तक कोई स्वागत, सम्मान या पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। एक बार मेरा कार्य सफल हो जाए तो जी भर के सत्कार करना, पर अभी तो बस आज्ञा चाहूंगा। बुआ कुंती से भी मिलना है मुझे। मैं तो जैसे दुखों का सागर बन गई हूँ कृष्ण। पूरे 13 वर्ष अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में मैंने काट दिए, और जब उनसे मिलने का समय आया तो सर पर युद्धा खड़ा है। कैसी अभागी माँ हूँ मैं, तेरी ये बुआ कुंती तो नहीं। बुआ नहीं, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, और तुम जानती हो कि तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे पुत्रों को अशक्त करेंगे। तो क्या करूं मैं कृष्ण, क्या करूं? तुम बस मेरी ओर से उन्हें इतना कह देना कि अब वो इस अधर्म को और ना सहें। पर बुआ, मैं तो शांति। तुम जिस शांति का प्रस्ताव लेकर आए हो ना केशव, उस शांति ने मेरे पुत्रों को आज तक केवल केवल अपमान ही दिया है। चिंता ना करो बुआ, अधर्म के अंत के लिए जो भी करना होगा मैं वही करूंगा।
पर यह शांति का प्रस्ताव आवश्यक है, जिससे प्रजा को ये लगे कि पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं। और आपसे एक और बात कहूं बुआ? कहो कहो कृष्ण। तुम कर्ण को उसका सच बता दो। आखिर कब तक इस पीड़ा को छुपाए रखोगी बुआ? अब तो तुम्हारा ये सच जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। जानती हो, कर्ण ने अर्जुन के वध का प्रण किया है, और अब भी उसे नहीं बताओगी कि वो अपने ही भाई का हंता बनने जा रहा है? कैसे कैसे बताऊं कृष्ण, कैसे बताऊं? जैसे भी हो बुआ, बताना तो होगा। उसे कैसे भी पांडवों के पक्ष में लाना होगा। तुम तो जानती हो कि संसार की कोई शक्ति कर्ण को परास्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उसकी माँ हो। उसे बताना होगा कि दुर्योधन का साथ देकर वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है। हाँ कृष्ण, मैं बताऊंगी उसे, बताऊंगी। जावधान, जावधान, वसुदेव नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। शांत शांत शांत। महाराज, आज मैं हस्तिनापुर के इस सभा में ना तो द्वारकाधीश हूं और ना ही राज अतिथि। इस समय मैं मात्र पांडवों का दूत हूं, और आसन्न युद्ध की विभीषिका को टालने के लिए उनकी ओर से आपके सामने संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं। अब कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर आ तो गए, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। उसका स्वागत सत्कार ठुकराकर कृष्ण ने पहले ही उसकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया था, और नतीजे में न जाने कौन सा गुल खिलने वाला था, उसका रंग क्या था, उसकी गंध क्या होने वाली थी। सुनते रहिए महाभारत।